रितु और रोहन अपनी माँ को सब्जियाँ काटने में मदद कर रहे हैं। रोहन, जरा उस टोकरी से दो टमाटर मुझे दोगे? जरूर मम्मी। रोहन ने देखा कि टोकरी में सिर्फ 4 टमाटर बाकी है। 2 टमाटरों से तेज बदबू आ रही है। उसने बाकी 2 टमाटर उठाकर अपनी मम्मी को दिए। अरे, ये टमाटर तो खराब हो गए हैं। जिन सब्जियों में बदबू आ रही हो या सफेद उपज हो या खराब हो जाए, उन्हें नहीं खाना चाहिए। चलो हम लोग बाजार से टमाटर ले आते हैं, मुझे कुछ और सामान भी खरीदना है। बच्चे अपनी मम्मी के साथ बाजार जाते हैं। मम्मी उन्हें दुकान से ब्रेड लेने को कहती है। रोहन उन्हें ब्रेड लाकर देता है। देखो ऋतु और रोहन, ये ब्रेड खराब है। किसी भी खाने पीने की चीज को खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत जरूरी है। हर खाने पीने के पैकेट पर ये जानकारी लिखी होती है, पर कुछ पैकेट्स पर ये साफ दिखाई नहीं देती। कुछ दूर जाने पर रितु को एक दुकान में डब्बा बंद जूसेस की सेल दिखाई देती है। उसे वापस रख दो रितु, रिश्ते या लीक करते हुए फूले हुए कैंस, कार्टन्स, डब्बे कभी नहीं खरीदने चाहिए। इसका मतलब है इनके अंदर की खाने पीने की चीज खराब हो गई है। अगर खराब खाओगे तो पेट में दर्द, उल्टी, दस्त ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। हमें पैकेट्स में FSSAI का लोगो देखना चाहिए। इससे खाने के सुरक्षित होने का प्रमाण मिलता है। वो अगले सेक्शन में जाते हैं जहां चावल, आटा, सूजी, दाल मिलते हैं। ऋतु, सूजी में कीड़े ना हो ये देख लेना, और चावल और दाल में गांठ गुच्छे ना पड़े हो। अगर ये हो तो इसका मतलब इनमें कीड़ा है। साथ ही एगमार्क का लोगो भी जांच लेना। ठीक है मम्मी। आज बच्चों ने सही खाने का सामान खरीदने के बारे में सीखा। वो अपनी माँ के साथ घर वापस आए। तो ऋतु और रोहन, आज क्या नया सीखा? हमें क्या नहीं खाना और खरीदना चाहिए? अगर फलों, सब्जियों और कच्चे खाने की चीज से बदबू आ रही हो या सफेद हरी गंदी चीज उस पर लगी हो, एक्सपायरी डेट चली गई हो, FSSAI और एगमार्क का लोगो ना हो,